हमें जॉब की पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2019 का आरआरबी बिलासपुर जोन के बारे में। बिलासपुर जोन में जो है क्या कुछ यहाँ पे फाइनल कट ऑफ गया था, कितने परसेंटेज कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है डीवी के लिए, डीवी के लिए कितना सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे एक सीट के रिगार्डिंग, क्या कुछ कॉम्पिटिशन है, सारे कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी था आपको सारे कैटेगरी को मिला के 404 यहाँ पे टोटल वैकेंसी था, जिसमें से आपका जनरल का वैकेंसी था 220 यहाँ पे जनरल का वैकेंसी था, ओबीसी का आपका 87 वैकेंसी था, एससी का आपका 55 वैकेंसी था, एंड एसटी की बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे 41 वैकेंसी था। अब यहाँ पे डीवी के लिए जो सिलेक्ट किया गया, डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 18 नवंबर से आपका डीवी होने वाला है। आप जो है अपना ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे विजिट करके ज़रूर देख लेना कि आपका डीवी का रिपोर्टिंग टाइम कब से है एंड क्या कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, सारे कुछ नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीवी के लिए सिलेक्ट किया गया है टोटल 630 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे टोटल डीवी के लिए सिलेक्ट किया गया है, यानी कि जो है 226 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया है, यानी कि 50% ज़्यादा जो जितना वैकेंसी है उससे 50% ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। एंड यहाँ पे कंपटीशन की बात किया जाए तो ठीक उसी तरह दो सीट के रिगार्डिंग जो है आपका तीन जो है कैंडिडेट यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ कट ऑफ गया था इस जोन में, इस जोन का अगर कट ऑफ की बात किया जाए आपको ज़रूर ये पता होगा ये कट ऑफ जो है इस बार आपका मेरिट इंडेक्स के द्वारा ये कट ऑफ जारी किया गया है। एंड यहाँ पे सारे पोस्ट के रिगार्डिंग जितना भी सारे पोस्ट है सारे पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग जो है कट ऑफ आया है यहाँ पे। तो इनमें से जो मैक्सिमम कट ऑफ आया है किसी एक पोस्ट में जो है बहुत कट ऑफ ज़्यादा आया है, किसी एक पोस्ट में कम कट ऑफ आया है, इससे लेके जो मैक्सिमम कट ऑफ बन रहा है टोटल जी मैक्सिमम कट ऑफ की बात किया है जनरल के मैक्सिमम किसी एक पोस्ट में जो है कट ऑफ गया है 639 इस जोन में, सिर्फ इस जोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड मिनिमम कट ऑफ की बात किया जाए तो 606 जो है मिनिमम कट ऑफ गया है, ठीक। ओबीसी की बात किया जाए तो 630 आपका मैक्सिमम कट ऑफ गया है, मिनिमम की बात किया जाए तो 583 मिनिमम कट ऑफ गया है, एससी की बात किया जाए तो 563 मैक्सिमम कट ऑफ गया है, एंड मिनिमम की बात किया जाए तो 471 मिनिमम कट ऑफ गया है, एंड एसटी की बात किया जाए तो 539 मैक्सिमम कट ऑफ गया है, एंड मिनिमम कट ऑफ की बात किया जाए जो 475 मिनिमम कट ऑफ गया है। ये मेरिट इंडेक्स के बाद मेरिट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है अगर आपको ये पता नहीं है, आपको अगर रॉ मार्क पता है उससे उस रॉ मार्क से आप कैसे आपका मेरिट इंडेक्स में कितना नंबर बन रहा है ये अगर आपको पता करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा। इससे पहले मैंने बहुत ही अच्छे से समझा कि वीडियो बनाया था, आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, एंड जो सारे फ्रेंड्स को पता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।